मेरे से एक बंदे ने अभी रिसेंटली पूछा था कि टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस वगैरह बहुत सारी बनती हैं, सो इफ़ यू वांट टू मेक अ टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो, व्हाट विल यू इंक्लूड इन दोज टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल एक्चुअली हेल्प योर टिप्स एंड ट्रिक्स स्टैंड आउट एज़ कम्पेयर टू अदर्स अदर पीपल्स टिप्स एंड ट्रिक्स. सो मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह ढूंढे जो कि एक्चुअली गेम में मैं यूज़ करता हूँ, एंड जब भी मैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करता हूँ, सामने वाले बंदे मोस्टली मेरे को हैकर बोल देते हैं. बिकॉज़ ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप रख सकते हो अपने पास, एंड कैसे रखना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, उन सब चीज़ों को लेकर एक मैंने छोटा सा सोचा कि मैं बनाऊं. सो ये कोई बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होंगी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे कि अपनी सेंसिटिविटी चेंज कर लो, या अपना ग्राफिक सेटिंग्स चेंज कर लो, या फिर पीक एंड फायर करना है. वो सब आपको पता है अगर आप खेल रहे हो ना गेम, आपको वो हर एक चीज़ पता है. मैं उन सब चीज़ों से आगे लेके जाकर, दीज आर दी मोस्ट एडवांस्ड टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड आई कैन टेल यू कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स में से एक भी आपको पता होगी, बट दो या तीन या चार या सारी की सारी आपको नहीं पता होंगी, बिकॉज़ ये मैंने खुद निकाली है यार, एंड ये मेरे को कहीं पे नहीं मिली है, ना कहीं पे मिलेंगी ऑब्वियसली. सो आई एम जस्ट गोना गो थ्रू ऑल दिस टिप्स एंड ट्रिक्स. व्हाट इज़ दैट, आई एम जस्ट गोना गो थ्रू ऑल दिस टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड आफ्टर दैट होपफुली विल हैव अ नाइस मैच, एंड लेट्स सी. आई मीन आई वॉन्ट टू रोल द इंट्रो, दैट्स इट. सबसे बेसिक टिप एंड ट्रिक है कि आधी जनता इस गेम को खेलने वाली पागल है जो कि ग्लोबल बाइक में गालियां देती है, सिंपल एज दैट. ऑब्वियसली ये ट्रिप आप लोगों को पता थी, सो मैं कुछ और बताऊंगा. सो लेट्स एक्चुअली गो ऑन टू आवर फर्स्ट ट्रिक. ये वाला एरिया आप सबको पता है, वो सी बिल्डिंग्स हैं हमारी मिलिट्री बेस की, एंड ये उसके पीछे का एक एरिया है. सो इस एरिया में एक्चुअली एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप छुप जाओ, पूरे मैप में कोई आदमी आपको ढूंढ नहीं सकता, जितना मर्जी आप लोग ट्राई कर लो. आई मीन सीरियसली आई एम सेइंग दिस, अगर आप यहाँ पे एक एरिया है, अगर आप उस पर छुप गए ना, कोई आपको ढूंढ के दिखा दे, दैट्स लाइक दैट विल बी हिज मूव ऑफ ब्रिलियंस, इफ इफ ही इज़ एबल टू और इफ शी इज़ एबल टू फाइंड यू. लेट मी एक्चुअली गो देयर एंड लेट मी एक्चुअली शो इट टू यू. पहले थोड़ा सा सामान मिल जाए. या सो बैक टू आर आई थॉट देयर वॉज समवन. बैक टू आर दैट थिंग, देयर इज समवन. बिलाल हैरी. या सो वी आर गोना गो टू सम प्लेस दैट इज एक्चुअली रियली डिफरेंट इन दिस मैप, एंड लेट मी शो यू हाउ दैट इज़ डिफरेंट. हम लोग यहाँ जाते हैं, हम लोग यहाँ जाते हैं, हम लोग यहाँ से सारा सामान लूटते हैं और चले जाते हैं. नाउ इन दिस प्लेस लेट मी एक्चुअली शो यू समथिंग. ओके एंड ओके एंड हेयर, जस्ट गो एंड कैम्प हेयर, एंड नो वन इन द होल यूनिवर्स इज़ एक्चुअली गोना फाइंड यू, बिकॉज लोग आएंगे वो ऊपर से ही चले जाएंगे, कहीं और से चले जाएंगे, बट ये वाला एरिया किसी को नहीं पता, बिकॉज़ ये चीज़ सिर्फ यहीं से चढ़ा जा सकता है, एंड इसके ऊपर भी कुछ नहीं है. सो दिस इज़ अ रियली यूजफुल टिप इफ़ द लास्ट सर्कल इज़ लाइक समवेयर इन दिस जोन, एंड यू नीड टू कैंप, यू नीड टू कैंप रियली बैड. दिस इज़ लाइक अ रियली गुड प्लेस टू कैंप, रियली गुड प्लेस टू हाइड. अगर कहीं से आप उतरे ही हो एंड आपको लग रहा है लोग आए होंगे, जस्ट गो देयर, सिंपली हाइड. अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, एंड जस्ट यू नो गो फॉर इट, सिंपल एज दैट. नाउ दिस आई बेट यू दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली यूजफुल ट्रिक फॉर एनी वन, सीरियसली एनी वन हु इज़ गोना वॉन्ट टू लाइक यू नो पहले छुपना है फिर बाद में मारना है, उस बंदे के लिए इस ट्रिक से यूजफुल कोई ट्रिक नहीं होगी. आई कैन बेट ऑन दैट. नाउ फॉर आर सेकेंड टिप, विल एक्चुअली हैव टू गो टू दिस एरिया विच यू नो इज़ एक्चुअली द ब्रिज, दी मोस्ट फेमस ब्रिज, फेमसली इन फेमस आई डोंट नो वट एवर. सो ब्रिज के ऊपर कैंपिंग्स हम लोग कैसे करते हैं? अपन लोग जाते हैं, अपन लोग यहाँ पर गाड़ी रखते हैं, छुप जाते हैं यहाँ कहीं. मैं एक्चुअली इससे एक यूज़फुल तरीका बताता हूँ आपको. ये गाड़ी दिख रही है ना, जो ये ब्रिज है, पहली चीज़ फेरी पियर का ब्रिज, ये गाड़ी दिख रही है जो छुपी हुई है, इसके सामने ये वाला एरिया, गो हेयर गो हेयर गो हेयर गो हेयर गो हेयर एंड
That was not supposed to happen. That was not supposed to happen, although. But now you know, this is only one place in this whole damn bridge जहाँ पे कि आप ऐसे बैठ सकते हो. दैट्स इट. नो अदर प्लेस एक्चुअली गिव्स यू दिस एक्सेस. बट याद रखने के लिए, फेरी पेर का ब्रिज और ये टूटा हुआ टूटी हुई गाड़ी या टेढ़ी गाड़ियाँ या गाड़ियों का जो एक ढेर पड़ा हुआ, बिकॉज ये बहुत जगह होता है ढेर, पीछे भी था. सो आप भूल ना जाओ, यहाँ पे छुपो, यहाँ पे बैठो, किसी को देखना है बंदा देखो और बंदा मारो. दैट्स इट. उतना सिंपल है ये चीज़, इस ब्रिज के ऊपर चढ़ के बैठना एंड बंदे मारना. सो या आई मीन ये ट्रिक बहुत बेसिक है, बहुत लोग यूज़ भी करते होंगे. सी दिस इज हाउ दिस वर्क्स. नाउ अब उस बंदे को आप लोगों से पहले ट्रिक पता है, बिकॉज वो बंदा यहाँ पे मरा. सो या ब्रो, ही हैज सम गुड स्टफ, सीरियसली सम रियली नाइस स्टफ. नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप, वी नीड अ फ्रैग, वी हैव अ फ्रैग. ओके नाउ अब इसी बंदे के एग्जाम्पल में देता हूँ कि मैंने फ्रैग मारा था इसको, ठीक है. ये फ्रैग से एक्चुअली, अब फ्रैग एक फ्रैग और स्टन दोनों का काम करता है. हाउ डज इट डू दैट, लेट मी एक्चुअली टीच यू दैट हाउ इज़ इट डूइंग इट. सो वी एक्चुअली विल एक्चुअली पिक अप दिस. या नाउ इट्स गुड. अब जो फ्रैग एक चीज़ करता है, अगर आप किसी को फ्रैग मारते हो तो वो आवाज़ को भी उसको काइंड ऑफ बहरा कर देता है. वो बहरा कैसे करता है और क्या चीज़ के लिए बहरा करता है, उस चीज़ का मैं एक बार प्रॉपरली बता देता हूँ. आप किसी को फ्रैग मारते हो, अगर उसके 15 मीटर के रेडियस में वो फ्रैग फटता है जाकर, 15 मीटर का रेडियस, उस बंद अगर वो बंदा उस रेडियस में है, आपको ये देखना पड़ेगा, आपको पहले मीटर्स पता होने चाहिए कितना है. जैसे हम यहाँ जाते हैं, दिस इज़ 5 मीटर्स. ओके सो इससे 3 गुना ज़्यादा के रेडियस में अगर वो फ्रैग फटता है, वो आदमी बहरा होगा. सबसे बेसिक चीज़. एंड वो बहरा होगा सिर्फ 3 सेकेंड के लिए. अब नेक्स्ट मोड हम लोगों को पता है, नेक्स्ट अपडेट के अंदर कम्पिटिटिव मोड आएगा, जिसके अंदर कि हमें ये मैप का कुछ भी हिस्सा नहीं दिखेगा एंड हमें फुटस्टेप्स की आवाज़ नहीं आएगी. कम्पिटिटिव मोड में वो 3 सेकेंड का डिले बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, बिकॉज आप फ्रैग मारकर बंदे को कन्फ्यूज़ कर सकते हो, फिर आप उसको जाकर, उसको आपके फुटस्टेप्स नहीं दिखेंगे आते हुए, फिर आप उसको जाकर मार सकते हो. सो दैट 3 सेकेंड डिले इन एनी सॉर्ट ऑफ गेम इज़ रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू फ्रैग अ पर्सन. लाइक फॉर एनी थिंग, इफ यू वॉन्ट टू फ्रैग अ पर्सन फॉर एनी थिंग दैट इज़ नीडेड, दैट 3 सेकेंड डिले इज़ सीरियसली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. सो या दैट इज़ द थिंग देयर. अरे ये लड़ेंगे. अब एक और टिप एंड ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूं, दैट्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट एंड मैं इसके अंदर शो नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स अ टीममेट. एंड जब आप किसी को रिवाइव कर रहे होते हो, आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, आपके किसी टीममेट को पे अटैक हुआ, वो नॉकडाउन है, आप उसको रिवाइव करने जाओगे ऑब्वियसली. आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ओपोनेंट आपसे कितनी दूर है, बिकॉज रिवाइव करने से, अगर रिवाइव बीच में छोड़ते हो, रिवाइव करने से और आपका ओपोनेंट आ जाता है आपके बीच में, रिवाइव करने से लेकर उस बंदे को मारने के लिए गन निकालने तक का टाइमिंग इज़ 1.2 सेकेंड्स. 1.2 सेकेंड के बीच में आपको वो गन निकालनी पड़ेगी इफ़ यू कैन. सो वो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू हैव टू एक्चुअली गेट समवन, यू कैन सी व्हाट हाउ, जैसे मैंने आपको बोला, आपको मीटर्स वगैरह का थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा, कितनी दूर है वो, क्या वो शॉट्स ले सकता है, क्या वो क्या कर सकता है, वो सब चीज़ देख के आपको बंदे को मारना पड़ेगा. सो दैट थिंग इज़ एक्चुअली लाइक रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एनीथिंग. रिवाइव वाली चीज़, टाइमिंग्स वगैरह को लेकर अगर आप कंसर्नमेंट में हो, तो टाइमिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेन रोल रखते हैं इस गेम में. क्या चीज़ कब होगी, कितनी देर में आप हील होते हो, कितनी देर में क्या होते हो, हर एक चीज़ की टाइमिंग को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी अ प्रो, बिकॉज आपको हर चीज़ मैनेज
खुद ही करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, कोई और आके तो करेगा नहीं. सो या ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ बहुत बड़ी गलती है कि टिप, बोनस टिप मैं दे रहा हूँ, जब 30 से कम बंदे अलाइव हों कभी भी एयर ड्रॉप्स के लिए मत जाओ, कभी भी नहीं. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स आई एम डूइंग. ऑल दो वो बंदा सामान लेके चला गया, बट कभी भी मत जाओ सीरियसली. दिस इज़ अ मिस्टेक, दिस इज़ लाइक टेक इट एज अ बोनस टिप और समथिंग, बट जस्ट डोंट गो फॉर इट. नाउ फॉर द फॉर लाइक अनदर टिप आई एम गोना गिव यू. हाँ, अगर आपके पास आपके ऊपर अटैक होता है एंड आप यहाँ पर हो, कभी भी यहाँ सामने मत बैठना, बिकॉज हु नोज अगर वो नेड मारते हैं ना लोग, दीवार से बाउंस वाले नेड की एक टेक्निक होती है, दीवार से बाउंस करके आपके सिर पे ही लगेगा नेड, इफ़ दे आर कुकिंग नेड रियली राइट. व्हाट यू डू इज यू एक्चुअली गो एंड सिट हेयर इन दैट केस. इफ इवन दे आर कुकिंग द नेड, नेड वहाँ जहाँ गैस कैन पड़ा है ना सामने, उससे थोड़ा सा पीछे फटेगा. सॉरी, उससे थोड़ा सा, थोड़ी तबीयत ख़राब है, उससे थोड़ा सा पीछे फटेगा नेड. देयर इज समवन टू माई राइट, उससे थोड़ा सा पीछे फटेगा नेड एंड बाय दैट वे इट्स एक्चुअली रियली लाइक नाइस थिंग. सो आपको हर्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा उससे. एंड यू नो ऑब्वियसली अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. ही एक्चुअली वेंट टू टेक टू सी व्हाट्स इन द ड्रॉप. जल्दी उतरने के लिए आपको क्या करना है, 700 मीटर के एरिया में उतरना है, जहाँ पे भी आपने उतरना है, एंड यू हैव टू सी 234 की आपकी स्पीड होनी चाहिए. इफ़ यू एक्चुअली हिटिंग दैट स्पीड दैट मीन्स आपके आसपास कोई भी और भी बंदा होगा तो वो आपसे ऊपर ही होगा. ऑब्वियसली अगर कोई और भी 234 की स्पीड पे आ रहा है तो वो आपके पास ही होगा, बट दिस स्पीड इफ़ यू आर हिटिंग दिस स्पीड सो ऑब्वियसली आप सबसे पहले उतर रहे हो नो मैटर वॉट एवर हैपन्स. सो या दैट इज़ लाइक एन इम्पॉर्टेंट थिंग. ये जल्दी जल्दी में ही बताना पड़ेगा अगर आप समझ सको तो, बिकॉज ऑब्वियसली जल्दी उतरने की ट्रिक है. सो इस पर टाइम ज़्यादा नहीं लग सकता. नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप, मान लो स्कूल वाले एरिया के अंदर, स्कूल वाले एरिया के आसपास आपका जोन बन रहा है, लास्ट जोन, एंड आप यहाँ पर हो एंड आप नहीं चाहते कि बंदे आपको मारे. व्हाट यू डू इज जस्ट रिमेंबर दिस, उस घर के सामने वाला, ये वाला घर, यू कम हेयर, यू स्टार्ट गोइंग हेयर, जंप हेयर एंड जस्ट जंप. दिस इज़ लाइक द फाइनेस्ट प्लेस टू हाइड इन दिस एरिया. जस्ट सी, देख लो अगर कोई आपको ढूंढ पाए तो. सीरियसली यहाँ से बंदे मारो, यहाँ से जो मर्जी करो, नो वन विल बी एबल टू फाइंड यू नो मैटर वॉट, बिकॉज ऑब्वियसली कौन देखेगा इतना. एंड ये पेड़ बहुत वियर्ड लग रहा है मेरे को यहाँ से ग्राफिक्स वाइज. सो या आई मीन लाइक वॉट एवर, बट स्टिल दिस इज लाइक अ रियली नाइस प्लेस टू हाइड. सो या नीचे जाने के लिए ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हेल्थ कम होगी, बट या दिस इज़ व्हाट यू कैन डू ऑलवेज टू गो डाउन एंड देयर इट इज. अब्दुल कादिर मोआ, आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग बट इट जस्ट फेल्ट वियर्ड. सो नाउ देयर इज वन मोर टिप, आपको नेड कैसे कुक करना है. मान लो सामने वाले घर में कोई बंदा है, आपको पहली चीज़ आपको डायरेक्शन देखनी है, आपको जल्दी देखना पड़ेगा कहाँ से नेड कैसे जा रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम जो आप खोलोगे ऐसे ही जाएगा, आपको वो चेंज नहीं करना है. फिर व्हाट यू डू इज टेक होल्ड ऑफ द नेड, लेट इट कम टू 3 सेकेंड्स, जस्ट मूव डाउन एंड जस्ट थ्रो इट. घर के अंदर ही जाके फटेगा एंड उस बंदे को हिलने तक का, निकलने तक का टाइम नहीं मिलेगा. दिस इज़ लाइक वन गुड थिंग यू कैन डू विद योर नेड्स. नेड कुकिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, कैसे आपको नेड्स को कहाँ पे कुक करना है एंड कैसे नेड्स कहाँ पे चल सकते हैं. अपने पास हमेशा कम से कम एक फ्रैग, एक स्मोक, एक स्टन और एक मॉली रखना. स्टन ज़रूर रखना, बहुत लोग स्टन को ऐसे करते हैं कि स्टन इज़ लाइक नथिंग और एनी यूज़ नहीं करते, डिसरिगार्ड करते हैं बहुत से लोग, बट स्टन इज़ एक्चुअली अ रियली नाइस ग्रेनेड. इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ इट यू कैन सीरियसली रियली इजिली कन्फ्यूज योर एनिमीज वैन यू आर यूजिंग अ स्टन.
सो या सो गाइज, ये थी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड आई होप आपको पसंद आई होंगी। इसमें से बहुत चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, जैसे मिलिट्री बेस का ट्रिक या फिर 3 सेकंड का नेट वाला ट्रिक, और मे बी स्कूल अपार्टमेंट का ये वाला ट्रिक आपको पता हो, बट स्टिल बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। आई होप सो नहीं पता हूँ, मतलब आई वॉन्ट के पता हूँ, बट आई होप सो कि अभी तक नहीं पता थी। सो इफ एनीथिंग, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं और ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। सो या पीस।